नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरओ एआरओ के विषय में, और आप इस वीडियो में आप जानेंगे कि आरओ या एआरओ आप कैसे बने, इसकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, इसकी एज लिमिट क्या होती है, इसकी क्या प्रोसेस होती है, और उसके बाद यहाँ के बुक लिस्ट के बारे में जानेंगे, सिलेबस के बारे में जानेंगे। काफ़ी चीज़ें हैं जो कि जिसके बारे में हम लोग इसको ए टू जेड जो है हमें इस वीडियो से जानकारी मिलने वाली है। तो आप जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, आरओ एआरओ कैसे बने। सबसे पहले बात करते हैं इस विषय पे। तो समीक्षा अधिकारी बनने के आवेदन करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एक एग्ज़ाम आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और एआरओ यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी का एक एग्ज़ाम होता है जिसमें कि आपको शामिल होना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की यानी कि शैक्षिक योग्यता के विषय में, तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से जो है ग्रेजुएट होना यानी कि स्नातक होना जो है वो अनिवार्य है। वहीं पे हम अगर बात करें इनकी आयु सीमा की, तो आप जो है इसकी आयु सीमा 21 से 40 वर्ष की इसमें आयु सीमा होती है। वहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को जो है नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी। अगर हम यहीं पर बात करें चयन की प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के विषय में, तो आप जो है इसमें दो एग्ज़ाम होता है, एक प्री और दूसरा मेंस। यानी कि अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया तो आप मेंस के एग्ज़ाम के लिए आप तैयार हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्री की। तो प्री में जो है अगर प्री की सिलेबस की अगर हम बात करें तो प्री में जो सामान्य अध्ययन के 140 प्रश्न होंगे जो कि 140 अंक के होते हैं, और हिंदी के 60 प्रश्न होंगे जो कि 60 अंक के होंगे। यानी कि इसमें दो एग्ज़ाम होगा, एक तो 140 का और एक 60 नंबर का, यानी कि टोटल जो है वो 200 नंबर के एग्ज़ाम होंगे। और अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो आप जो है आसानी से जो है वो मेंस के लिए आप तैयार हैं। अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में टोटल 4 पेपर होते हैं, और उन 4 पेपर में से पहला पेपर सामान्य अध्ययन का होता है, दूसरा सामान्य हिंदी और अभिलेखन का होता है, तीसरा सामान्य हिंदी व्याकरण, और चौथा जो है उसमें निबंध का होता है। यानी कि 4 पेपर होते हैं, और इन चारों पेपर में जैसे अगर पहले पेपर की बात करें तो 120 प्रश्न होते हैं, 2 घंटे का समय दिया जाता है, 120 अंक इसमें होते हैं। तो इस तरह करके आपको जो है वो चारों पेपर जो है वो देने होते हैं। कुछ इसमें से सब्जेक्टिव होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो आप जो है ये आसानी से आप इसको देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें इसकी वेतन यानी कि इसकी सैलरी के विषय में, तो आप इसकी सैलरी जो है 9,300 से 34,800 पे ग्रेड पे इनकी होती है। तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी है अगर आप इस पद के लिए चुने जाते हैं तो। वहीं अगर हम पोस्टिंग की बात करें तो आपकी पोस्टिंग जो है उत्तर प्रदेश के समाहरणालय सचिवालय, चाहे वो लखनऊ हो, इलाहाबाद हो, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भवन जो इलाहाबाद में है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग जो है काफ़ी अच्छे शहर में होने वाली है, और जो है ऑफिशियल जॉब है, काफ़ी अच्छी जॉब है। अगर आप चाहें तो इसको जो है आप इसमें जा सकते हैं, आरओ एआरओ में आप जा करके, और अच्छा सैलरी भी पा सकते हैं। तो यहीं पे अगर हम प्री की बुक लिस्ट के बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम बात करें अगर हिस्ट्री की, तो आप हिस्ट्री के लिए जो है लुसेंट और घटना चक्र आप ले सकते हैं। आप लुसेंट और घटना चक्र लीजिएगा तो काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है आपका हिस्ट्री कवर हो जाएगा। वहीं अगर हम ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की बात करें तो लुसेंट और घटना चक्र प्लस एटलस आपको रखनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, आपको जो है मैप आपके साथ होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में जो है करंट काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो करंट का पोर्शन आप हमेशा अच्छा अपनी पकड़ बनाएं। आप इससे जो है प्रौद्योगिकी का दर्पण जो है, या फिर आप कोई भी करंट अफेयर से जो है राष्ट्रीय आय, कृषि, आर्थिक, बैंकिंग सुधार, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, ये सारी चीज़ें जो है वो करंट में जो है आप इकोनॉमिक्स का पोर्शन जो है वो आप कवर कर सकते हैं।
वहीं हम संविधान की बात कर लें यानी कि पॉलिटी की बात कर लें तो आप आसानी से जो है अगर आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो आपको जो है पूरा का पूरा कवर इसमें हो जाएगा। वहीं हम बात करें साइंस की तो आप लुसेंट की साइंस ले लें, काफ़ी इनफ होगा। अगर आप लुसेंट की साइंस पढ़ते हैं तो ये जो है पूरा साइंस कवर हो जाएगा। वहीं हम बात कर लें हिंदी की तो हिंदी में ज़्यादातर हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन होते हैं और कुछ लेखन भी होते हैं, कुछ निबंध भी होते हैं। तो आप जो है हिंदी के लिए अगर आपके पास परीक्षा वाणी है तो वो ले लें, या आप लुसेंट की जो व्याकरण आती है हिंदी की वो भी आप ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी हिंदी की अगर जो भी बुक आपको अच्छी लग रही हो वो आप आसानी से ले सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें यूपी स्पेशल की जो क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो यूपी से हिस्ट्री की हो, यूपी ज्योग्राफी की हो, तो आप परीक्षा वाणी ले सकते हैं, या उत्तर प्रदेश का वो बुक स्पेशल का जो कि आपको जो है उसकी लैंग्वेज जो है आसानी समझ में आ जाए वो आप ले सकते हैं। परीक्षा वाणी भी काफ़ी अच्छी बुक है, तो हम अगर आप चाहें तो इसे आप ले सकते हैं। चलिए हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स की, टर्म की, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पेपर हैं उसे आप ज़रूर सॉल्व करें ताकि जो है आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पिछले वर्ष कई वर्षों से आ रहे हैं। और आपकी सबसे बड़ी बात है कि आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, वो चीज़ें जो है आपकी जो है वो बराबर टेस्ट होती रहती है, आपकी जाँच होती रहती है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम क्यों ना दे रहा हूँ, चाहे आप UPPCS का दें या BPSC का दें या UPSC का एग्ज़ाम दें, किसी भी चीज़ का अगर एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, चाहे UPSI का दें, तो आपको जो है प्रीवियस ईयर उस जो भी एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप ज़रूर सॉल्व करें। अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में इसी जितने भी मैंने बताए हैं बुक इसके सिर्फ एडवांस लेवल पे आप चले जाएं। जैसे अगर हिस्ट्री के मैंने आपको बताई है लुसेंट और आपके घटना चक्र के बारे में, तो आप हिस्ट्री के लिए आप सतीश चंद्रा ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो रामशरण शर्मा ले सकते हैं, स्पेक्ट्रम ले सकते हैं। ये चीज़ें जो है एडवांस आपको जो है वो ज़्यादा जानकारी उससे मिल सकती है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और UPSC जर्नी विस तो ये पूरी वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।